तो छठे चरण का प्रचार थमने के साथ ही यूपी का सियासी संग्राम अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अब सबका फोकस सातवें और आखिरी चरण पर है। सातवें चरण में भी सबकी नजर वाराणसी पर है। चार मार्च को यूपी के सियासी संग्राम के चारों सबसे बड़े चेहरे एक साथ काशी की धरती पर कदम रखेंगे। पीएम मोदी जहां तीन दिन काशी में कैंप करेंगे, तो वहीं अखिलेश राहुल रोड शो कर मोदी के गढ़ में उन्हें ललकारेंगे। उधर मायावती वाराणसी की रैली के साथ ही अपने प्रचार अभियान का समापन करेंगी। छठे चरण का प्रचार थम चुका है, अब सबका फोकस सातवें चरण के संग्राम पर है। सातवें चरण में 7 जिलों के 40 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सबकी निगाहें शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी पर टिकी है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है। कहते हैं यूपी की सियासत की दशा और दिशा पूर्वांचल तय करता है, और पूर्वांचल को दिशा बनारस देता है। बनारस की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद 3 दिन यहां डेरा डालने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जौनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, फिर यहां से पीएम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाएंगे और वहां से शाम 4:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद सीधे वो काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे और यहां आकर वो मत्था टेकेंगे। काल भैरव के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी इसके पहले भी प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन एसपीजी के क्लियरेंस न मिलने की वजह से उनकी ये मनोकामना अधूरी रह गई थी और अपने तमाम दौरों में उनकी हसरत रह गई थी कि वो काल भैरव के दरबार में आकर मत्था टेके।